आपका दोस्त, आपका होस्ट सूरज मेहरा। और आज हम फिर से उपस्थित हैं हमारे रिसीविंग यार्ड में इटारफी, जहाँ पर देखिए BCN वेगन का प्रीमियम बना रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू चेंज एंगल कॉक। अभी हम लोग एंगल कॉक बदलने वाले हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, इसमें एक जेड ब्रैकेट लगा होता है, जिसे देखिए यहाँ पे ये जेड ब्रैकेट लगा हुआ है, जिसे हमने वेल्डिंग की सहायता से यहाँ से काट दिया है। और अब हम इस एंगल कॉक को खोलेंगे। सही रहो, रिंज पाने की सहायता से हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी टाइट होता है, जिसे बड़ी मशक्क़त के साथ खोला जाता है। और देखिए इस प्रकार से इसमें अगर आप वैसे तो कभी कभी इजीली खुल जाता है, और अगर नहीं खुल रहा हो, चेकनेट अगर इसका नहीं खुलता है, तो हम इसमें से पैर से थोड़ा सा सपोर्ट देकर या पाइप की सहायता से सपोर्ट देकर इसे खोलने की कोशिश करते हैं। और देखिए यहाँ पर आज हमारे साथ देख रहे हैं आप लोग, हमारे साथ फिटर है हमारे गौरव पंथी टेक्नीशियन 2 और हमारे गोविंद कुमार जी टेक्नीशियन 3। ये लोग एंगल कॉक बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने हमारे बेल्डर रामकिशन राजपूत जी हमारे साथ हैं आज, बेल्डर सेकंड। और अब हम लोग इस एंगल कॉक को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए जब तक चेकनट खुलता है, तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से हमारे पास एक नया एंगल कॉक है, जिसे हम लोग चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद इस एंगल कॉक को वहाँ पर फिट किया जाएगा। वह एंगल कॉक ख़राब हो चुका है, उससे लीकेज हो रहा था, और इसलिए देखिए एंगल कॉक चेंज करने के लिए हमारे पास ये नया एंगल कॉक है। हमारे पास टेफ्लॉन टेप होना चाहिए और हमारा पाइप रेंज पाना होना चाहिए। और अब इस प्रकार हम चेकनट को पहले खोल लेते हैं। तो देखिए पहले चेकनट को बड़ी सावधानी से ऐसे खोला जाता है। तो ये हम लोग इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ पे हमारा चेकनट हम खोल चुके हैं। अब चेकनट देखिए, जैसे ही आपने चेकनट ढीला करते हुए आपका एंगल कॉक फ्री हो जाता है, और एंगल कॉक को बड़ी आसानी से आप हाथ से भी खोल सकते हैं। ये एंगल कॉक हमारा खुल रहा है यहाँ पे, इसे हाथ से घुमाकर हम खोल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एंगल कॉक खुल चुका है। और अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारा BP पाइप होता है, उसमें हम सबसे पहले यहाँ पर टेफ्लॉन टेप का यूज़ करते हैं। टेफ्लॉन टेप की सहायता से हम इसको काफ़ी अच्छे से कवर कर देते हैं, ताकि कोई भी लीकेज ना रहे बाद में इसमें, इसे फिट करने के बाद। तो हम यहाँ पे ऐसे आसानी से हमारे गौरव जी टेफ्लॉन टेप को बड़ी सावधानी पूर्वक लगाते हुए, और देखिए ये टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद यहाँ पे देखिए सिंगल पाइप गाड़ी होती है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं जाती। अभी यहाँ पे क्या हमारे पास ट्विन पाइप गाड़ी है, तो इसमें ऊपर FP का पाइप भी लगा होता है, जिसकी वजह से ये बीच में फंसता है। पर ठीक है, उसे इग्नोर करते हुए अब इस प्रकार सावधानी पूर्वक हम एंगल कॉक को, देखिए एंगल कॉक अगर आप जब बदल रहे हैं तो उसे पूरा सीधा रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी तिरछा करते हैं तो ये थ्रेड पर थ्रेड चढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये जा नहीं पाता है। तो इस बात का सावधानी पूर्वक ध्यान रखें कि आपका एंगल कॉक बिल्कुल सीधा हो। तो ये देखिए ऐसे बिल्कुल सावधानी पूर्वक अगर आप सीधा चलाएंगे, ये देखिए बड़े आसानी से जा रहा है। और अगर एंगल कॉक थोड़ा सा भी तिरछा हो जाता है, जिससे थ्रेड मिसमैच हो जाती है, तो फिर ये बड़ी दिक्कत होती है इसमें। तो आप इसको वापस खोल लें और फिर से इसको सीधा चढ़ाने की कोशिश करें। और देखिए अब ये यहाँ पे हमारा गौरव जी द्वारा एंगल कॉक बिल्कुल पूर्ण रूप से फिट कर दिया गया है। अब देखिए इसे हम इसके बाद पाइप रेंज पाने की सहायता से भी टाइट करेंगे, और पीछे जो चेकनट दिया हुआ है उसे भी टाइट करेंगे। तो एंगल कॉक बदलाने के बाद इसकी पोजीशन देखिए, एंगल कॉक बदलते समय हमेशा इसकी पोजीशन का विशेष ध्यान रखें। पोजीशन इसकी हमेशा नीचे की ओर इसका मुंह होना चाहिए, ताकि उसमें जब हम BP पाइप कसें तो आसानी से BP पाइप सामने वाले BP पाइप से कनेक्ट हो जाए। क्योंकि अगर आप इसको तिरछा कर देंगे तो पाइप कनेक्शन करने में हो सकता है समस्या आने लगे, और उसके बाद फिर पाम एंड के पास से भी लीकेज की समस्या आ जाती है, अगर पाइप ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये हमने चेक नट को बिल्कुल टाइट कर दिया है। और अब ये देखिए हमारा एंगल कॉक चेंज हो चुका है। एंगल कॉक चेंज होने के बाद इसमें BP पाइप में भी देखिए, जब आप BP पाइप डालते हैं तो BP पाइप की थ्रेड पे भी आपको टेफ्लॉन टेप का यूज़ करना है, जिसकी वजह से पाइप और एंगल कॉक के बीच से लीकेज ना हो। देखिए गोविंद कुमार जी ने इसको जैसे बिल्कुल सावधानी से जो करवा है, आपको हमेशा किसी भी चीज़ को थ्रेड पे थ्रेड चढ़ाते समय उसके सीधे होने का ध्यान तो रखना ही है, क्योंकि अगर थ्रेड मिसमैच हो जाता है तो कसने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये गोविंद कुमार जी द्वारा ये बिल्कुल इसको टाइट कस दिया गया है। इसे हम हाथ से पहले घुमाते हैं, जब तक हाथ से घूमता है इसके बाद इसको पाइप रेंज पाने की सहायता से कसा जाता है। और ये देखिए ये बिल्कुल सावधानी पूर्वक इन्हें काफ़ी कस दिया है इसको। और देखिए जो आपके पाम एंड का मुंह होता है, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है, ये उल्टा ना हो जाए, आपका पाइप आराम से कनेक्ट होना चाहिए। तो अब देखिए हमारा जैसा कि कसा चुका है, इसके बाद हम ऊपर इसके नट को कसते हैं आराम से इसको पकड़कर। तो ये देखिए
अब ये हमारे हमने इसको पाइपलाइन की सहायता से कट दिया। अब देखिए पाइप का मुंह अगर सीधा रहेगा तो आप इस प्रकार से देखिए एंड पाम एंड को आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपने इसको जरा सा भी तिरछा कर दिया तो ये नहीं कनेक्ट होता है। तो इस प्रकार हमारे एंगल को हम बड़ी आसानी से चेंज कर लेते हैं, ये आपने देखा। और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ, आपका दोस्त आपका होस्ट सूरज मेहरा। और थैंक यू गौरव पंथी जी जो आपने इतना सहयोग दिया, और थैंक यू गोविंद कुमार जी जो आपने इतना सहयोग दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग CNW ETRC।